जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो आज इसको सुनेंगे और जो नहीं भी सुनेंगे, उन सबको ये मैं पहले कहना चाहूँगा, सत्य की जीत हमेशा होती है, इंसाफ इंसाफ है, हिंदुस्तान आपके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। हमारी मोडेलिटी कुछ भी रही हो उसको आज मैं दोहराऊंगा नहीं, पर ये कहना चाहूँगा कि हम सही रास्ते पे थे और उसको भगवान को भी मंजूर था, ऐसा ही होगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं जज साहब पूरा अपना ध्यान लगाकर फौजियों के साथ जजमेंट भी उसी के हिसाब से देंगे। पर एक बड़ा मुद्दा इससे निकलता है, सरबीर सिंह का जनरल साहब के अगुवाई में जो चल रहा था, उनके बहुत ही अहम सलाहकार हेल्प करने वाले जैसे गांधी जी और भी अन्य लोग जो थे उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि उनको पता था ये जो रास्ता इन्होंने पकड़ा है वो एक बहुत सही का रास्ता है और इसी से हमारे साथ फौजियों के साथ न्याय हो सकता है। लोगों ने भटकाने की कोशिश करी बीच में, कई लोगों ने फटकर हमारे खिलाफ़ किया, हमारे फौजी भाइयों को डिवाइड करने की कोशिश करी, ये तो सिर्फ अफसरों के लिए है, हमारे जवानों का कुछ नहीं है। कितना गलत है, कितना दुख होता है इस बात को सुनकर कि आप सच्चाई को भांप नहीं सके, सुन नहीं सके और उसके ऊपर आपने एक भी अपनी आंख उठाकर नहीं सोचा कि ये बिल्कुल सच हो सकता है जो कि आज हुआ है। इसको अभी लागू हो जाएगा जिस दिन आप देखेंगे कि हमारे जितने फौजी भाई हैं उनका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अंदर 95% प्लस लोग जो हैं वो हमारे फौजी भाई हैं, द नॉन कमीशन द बिलो रैंक दे कॉल इट रैंक एंड फाइल आई वुड यूज द वर्ड। ठीक है, बस इतना ही कहूँ चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया और अभी तो हमारे और से भी बहुत मुद्दे हैं वेलफेयर के, अब वो धीरे धीरे लिए जाएंगे। अब इससे फारिग होकर हम उनके ऊपर ध्यान जाएगा, तो बहुत टाइम हमारा लग गया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। इतना ही है, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विशेष एक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।